सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कैदराबाद बस स्टैंड दरभंगा में बैठक कर परिवहन विभाग के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। दरभंगा कैदराबाद स्थित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में प्रांगण में आज परिवहन विभाग के पदाधिकारी एमबीए के बाद ही कार्य बिहार राज्य परिवहन विभाग के पदाधिकारी के समक्ष करीब से करोड़ लोगों को, जिसमें बहुत से लोग ड्राइवर भी थे, आज सड़क सुरक्षा हेतु जानकारी दी गई। जैसे कि दो चक्का वाला हमेशा हेलमेट पहनकर चले, चार चक्का वाहन सीट बेल्ट का प्रयोग करे आदि को लेकर जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है, इसका मुख्य थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक है ना। हम लोग सड़क पर चले, सुरक्षित चले, अपने साथ साथ जो भी लोग सड़क पर है वो उनकी जान माल का सुरक्षा हो, यही हमारा थीम है। किसी का अगर मदद करता हूँ तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी? अभी बस वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, धन्यवाद। इसके लिए जो है तो भारत सरकार ने सोचा कि सभी जगह पूरे भारत में हम लोग स्कूल खोलें और स्कूल के माध्यम से ट्रेनिंग दें ताकि जान माल का क्षति नहीं हो। इसके लिए भारत सरकार ने 2 एकड़ में वहाँ पे सोनकी में अलॉट किए हैं और सर लोगों का मतलब ये रहा कि समय से खुल गया सबके सहयोग के कारण, क्योंकि और जगह जो है बहुत परेशानियाँ भी हो रही है। और इसमें हम लोग अभी जिसे टेस्टिंग ट्रैक है वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो रहा है, फुल्ली ऑटोमेशन में भारत सरकार ने कर दिया एक्रीडिटेशन ड्राइविंग स्कूल। पहले था ड्राइविंग स्कूल करके था, अब एक्रीडिटेशन और ड्राइविंग स्कूल करके खोल दिया गया है। इसमें आप जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे 1 महीना का, जैसे कि बड़ी गाड़ी में है 45 दिन का कोर्स है, चार चक्का में 1 महीना का है 30 दिन का, और मोटरसाइकिल में 2 सप्ताह मतलब 15 दिन का कोर्स का शेड्यूल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ऑटोमेशन प्रक्रिया से आपको टेस्ट देना होगा, देन आपका डीएल के लिए सर के यहाँ हो जाएगा। तो मेन भारत सरकार का जो सड़क सुरक्षा के तहत ही किया गया है ये सारे कार्यक्रम, ताकि कम से कम जान माल की क्षति हो। जो अदर फॉरेन कंट्री में आज हमको लगता है 50 से 70 साल से वो चल रहा है ये ड्राइविंग।